और टोरो के साथ इसका है आउटपुट। आप देख सकते हैं कि दोनों में हमारा डीजे मेकर का होलोग्राम लगा है, जिससे कि ओरिजिनल मैं गौरव जैन डीजे मेकर प्रो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस चैनल पे लेके आए हैं एक अपना प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। हमारा एम्पलीफायर है ये 500 वॉट का डीजे मेकर प्रो कंपनी की तरफ से। और आज आपको इस वीडियो में पूरा करूंगा रिव्यू और बताऊंगा इसका प्राइस। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। करते हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं डीजे मेकर की ब्रांडिंग के साथ आता है और बहुत यूनिक डिजाइन है, जो कि आपको 500 वोट का ऐसा एम्पलीफायर कम ही मार्केट में देखने को मिलेगा। बेसिकली जितने भी लोग होते हैं जो 500 वोट का एम्पलीफायर बनाते हैं या जो कंपनी बनाती है, वो ज्यादातर स्ट्रेंजर को ध्यान में रख के या ओजा को ध्यान में रख के बनाते हैं। बट डीजे मेकर कंपनी ने बिल्कुल एक सेपरेट डिज़ाइन निकाला है और एक यूनिक डिज़ाइन निकाला है आप लोगों के लिए। और उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी माल जो उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं, वो बहुत शानदार तरीके से लगे हुए हैं और बेटर देने की कोशिश करी है, जिससे कि ये परफॉर्मेंस बेस्ट टू बेस्ट दे सके। तो करते हैं इसके फ्रंट पैनल से स्टार्ट। तो डीजे मेकर की ब्रांडिंग मिलती है आप लोगों को, डीजे मेकर प्रो की, जो कि सीएनसी कटिंग से पूरा बना हुआ है। और मॉडल नंबर आता है DJM 500U। DJM का मीनिंग हमारा डीजे मेकर और 500 का मतलब 500 वॉट और यू का मतलब हमारा यूएसबी पैनल, जो कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। मल्टीमीडिया यूएसबी प्लेयर होता है ये, जिसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, मेमोरी कार्ड मिलेगा, ऑक्सलीड मिलेगी और यूएसबी मिलेगी। इसमें आप एफएम भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडल्स दिए गए हैं इजीली, जो कि आपको हैंडलिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। पावर स्विच दिया गया है 16 एम्पीयर का, जो ऑन ऑफ स्विच होता है। उसके बाद देखिए तो आप मास्टर वॉल्यूम, जो कि मास्टर वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम को घटाने और बढ़ाने के काम आता है। और ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि आपके दर्शाते हैं कि आपकी वॉल्यूम कितनी है और आपका 0 dB तक इंडिकेट करते हैं। उसके बाद देख आइए इस पैनल पे। तो ये लो, मिड और हाई का पैनल है। लो का मतलब होता है बेस, मिड का मतलब होता है गाने की आवाज़ जो बोल होते हैं, और हाई का मतलब होता है उसका ट्रिबल। तो आप इससे ट्रिबल कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इससे आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और इससे आप बेस का कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट में भी ब्रांडिंग आती है बहुत शानदार, जो कि डीजे मेकर प्रो ने अपनी ब्रांडिंग का बहुत ध्यान रखा है। और जिस तरह हमारा लवेबल नेम है डीजे मेकर, तो उसी तरह कंपनी ने नाम भी उसी तरह दिया है इस पे। बटन्स दिए गए हैं दो, जो कि ऑन ऑफ, आप इस पैनल को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ब्लूटूथ पैनल को, जिसे कई लोग जैसे जागरण वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उस पर्पस में उन्हें यूएसबी प्लेयर नहीं चाहिए होता है, तो वो इजीली ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और ये नॉर्मल एम्पलीफायर बूस्टर की तरह काम करेगा और अगर आप ऑन करेंगे तो ये आपका यूएसबी प्लेयर ऑन हो जाएगा। बॉक्स और ड्राइवर यूनिट का ऑप्शन दिया गया है कि अगर बॉक्स पर चलाएंगे तो आपको प्रॉपर जो इक्विलाइजर दिया गया है, जो कि लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी दी है, ये आपकी पूरी वर्क करेगी। अगर आप ड्राइवर यूनिट पे कर देते हैं तो आपको ड्राइवर यूनिट जो हमारे होते हैं, जो कि जिसे हम यूनिट बोलते हैं, जो हमारे हॉर्न में लगती है, वो आप इसे चला सकते हैं और इसमें आपकी बेस जो है हमारी कट जाती है, तो केवल मिड और हाई आपकी इसमें चलेगी। तो बात ये हुई फ्रंट पैनल की। अब बात करते हैं टॉप की ब्रांडिंग। टॉप में भी ब्रांडिंग दी है कंपनी ने, पूरा सीएनसी कटिंग से दिया है पूरा अपना नेम। और अब आते हैं इसके बैक पैनल पर। तो ये बैक पैनल है हमारा,
आप देख सकते हैं कि जो वायर दिए गए है वो बहुत हैवी क्वालिटी की दी है और बहुत अच्छा लेंदी है, जो कि आप दूर से भी इसको पुट कर सकते हैं। फ्यूज़ दिया गया है जो कि 20 से 25 एम्पीयर का फ्यूज़ आप इसमें लगा सकते हैं इजीली। रिसेट का ऑप्शन दिया है, कभी आपका बाय चांस अगर एम्पलीफायर कभी ओवरलोड हो जाता है तो ये आप रिसेट का बटन दबा के इसको फैक्ट्री रिसेट मोड पर दोबारा से ऑन कर सकते हैं। अर्थिंग का ऑप्शन दिया है, कई क्षेत्रों में जो अर्थिंग की प्रॉब्लम आती है आप यहाँ से अर्थिंग दे सकते हैं। एक यूनिट डिज़ाइन और दिया है कंपनी ने, जो कि बैक पैनल में दिया है अपना नाम डीजे प्रो, जो कि हमारा डीजे मेकर प्रो को दर्शाता है। और प्लस जो लोगों ने बहुत ओल्ड फैशन हो गया है जो कि फैन जाली का जाली नॉर्मल आती है, तो ये कंपनी ने एक और नई चीज़ दी है जिससे कि फैन की कटिंग भी हो गई है और अपना नाम भी आ गया है। लाइन आउट लाइन इनका ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइन इन में XLR दिया है कंपनी ने और लाइन आउट में माइक जैक दिया गया है। तो लाइन इन से आप मिक्सर भी चला सकते हैं और ऑक्सलेट भी चला सकते हैं, लाइन आउट से आप दूसरी मशीन को अटैच कर सकते हैं। आउटपुट के भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टर्मिनल भी दिए हैं और स्पीकोन भी दिए हैं, कॉमन 2 ओम और 4 ओम, इसी तरह से स्पीकोन भी दिए हैं 2 ओम और 4 ओम। ये हमारा एम्पलीफायर 4 ओम पे और 2 ओम पे बिल्कुल स्टेबल वर्क करता है। अगर एक टॉप आप चलाते हैं दो स्पीकर वाला तो आप 4 ओम पे लगाइए, अगर दो टॉप आप चलाते हैं डबल डबल स्पीकर वाले तो आप 2 ओम पे लगाइए। स्ट्रिप दी गई है रेड स्ट्रिप, जो कि ड्राइवर यूनिट का काम करती है, मैंने आपको फ्रंट पैनल में बताया था अभी। इसमें कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की टेपिंग दी गई है, जिससे कि आप 100 वोल्ट पे ड्राइवर यूनिट जो LT यूनिट होती है हमारी, जिसमें ट्रांसफार्मर यूनिट होती है, वो आप इसे ईजिली चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि इस एम्पलीफायर के बारे में, फ्रंट पैनल और बैक पैनल पूरा, इसकी चेसी बहुत हैवी है। और अब दिखाता हूँ मैं इसको खोल के, मैंने बिल्कुल खोल लिया है इसको आपको दिखाने के लिए। अब देख सकते हैं टॉप भी पूरा भारी है और इसमें डीजे मेकर का नाम जो हमारा CNC कटिंग हुआ है, नीचे प्लेट लगी हुई है जिससे कि डबल स्ट्रेंथ रहे इसमें। और ये हमारा है एम्प, जो कि आप देख सकते हैं पूरा टोरो दिया है हमने इसमें, जिसे हम टोराइडल बोलते हैं मेन, जो कि एम्पलीफायर का दिल है बिल्कुल। और टोरो के साथ इसका है आउटपुट, आप देख सकते हैं कि दोनों में हमारा डीजे मेकर का होलोग्राम लगा है, जिससे कि ओरिजिनलिटी की पहचान रहती है बिल्कुल। हेडसिंक पैनल दिया गया है, जिसमें कि 8 MOSFET 5200 के दिए हैं और 8 1943 के दिए हैं। फैन दिया गया है जो कि इसको कूल रखने में आसानी रहता है, और सेंसरेबल फैन है जिसमें सेंसर लगा हुआ है, जितना हीट ये एम्पलीफायर होगा उतनी जल्दी वर्क करेगा। ये मैंने आपको बताया, ये अभी रिसेट का ऑप्शन होता है, ओवरलोड है ये, फ्यूज है, और यहाँ जो हमारा आउटपुट पैनल है पूरा, ये हमारी एक अलग से दी गई है जो कि रेजिस्टेंस, जो कि आपके इन आउटपुट पे लगी होती है। अब देखेंगे आप तो फ्रंट देखिए, ये हमारा BT बोर्ड है जिसमें सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और हमारी LED लगी हुई है। और ये हमारा USB पैनल है, आप देख सकते हैं इसे USB पैनल, और ये हमारा बेस टेबल मेट का बोर्ड है। और जो कंडेंसर दिए गए हैं वो कंडेंसर बोर्ड, आप कैपेसिटर्स देख सकते हैं, 2 कंडेंसर दिए गए हैं, जो कि आपको सारे कंपोनेंट्स हमारे दिख ही रहे हैं कि हमने जो भी मटेरियल इसमें लगाया है बेस्ट टू बेस्ट लगाया है, जिससे कि आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। और इसमें क्वालिटी का ही सारा काम है, मतलब कि जितनी हम सफाई देंगे और जितनी हम क्वालिटी का सामान लगाएंगे वही, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बोर्ड में जितनी भी हमने रेजिस्टेंस लगाई हैं वो सारी हमने 1% टॉलरेंस की लगाई है, जो कि 1% के हिसाब से काम करती है। अगर कभी फ्लक्चुएशन होती है लाइट की, तो ये कुछ होता है, तो 1% ही हम इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है बस। ये आउटपुट है, आउटपुट से आप इसमें हमने 2 ओम और 4 ओम की टेपिंग दी है और हम ड्राइवर यूनिट की दी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका जो इसमें जो सामान दिया है कंपनी ने वो भी बहुत बेहतरीन दिया है। और बात करते हैं अब इसके प्राइस की, तो ये जो हमारा 500 वोट का जो एम्पलीफायर है वो आपको मिलेगा डीजे मेकर प्रो का 500 वोट का एम्पलीफायर, जो कि DJM500U इसका मॉडल नंबर है, ये आपको मिलेगा 13,000 रुपये में, 13,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा, जो कि 24 महीने की वारंटी के साथ आता है। दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रहे कि जो भी हम खरीदते हैं एटलीस्ट वो वारंटी में हो,
क्योंकि वारंटी में लेना बहुत बेटर होता है, एक्सेप्ट हम अगर बिना वारंटी कोई चीज लेते हैं और वो चीज खराब हो जाती है तो हम कोई किसी चीज पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यही कंपनी का एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो विद वारंटी है। अगर कोई भी परेशानी कभी भी इस एम्पलीफायर में आती है आप हमारे बेझिझक हमारी शॉप पे ला सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके देंगे। 2 साल तक कंपनी आपसे बाउंड है कि आपको सर्विस देगी, प्रोवाइड करेगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट आपका खराब होता है 2 साल के बाद भी, तो ये इजीली जो इसका पार्ट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे और आप हमसे नीचे दिए गए जो ऑफिस नंबर पे नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे मंगा सकते हैं, या ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये ऑनलाइन कैसे मंगाएं एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे नई नई वीडियोज और लाऊंगा जिसमें आप देखिएगा कि डीजे मेकर कंपनी क्या क्या नए प्रोडक्ट ला रही है। तो इसी के लिए मैं आपको दोस्तों ये कहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से आप हमसे रिलेटेड नए नए वीडियोस का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं गौरव जैन, डीजे मेकर ऑडियो से, धन्यवाद।